फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जिन्होंने मुझे अभी, मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बहुत वेलकम। और फ्रेंड, मैं आपको आज बताऊंगी कि विंटर में हम अपने लिप्स की केयर कैसे कर सकते हैं। आपको पता है विंटर्स में हमारी स्किन काफ़ी रफ रफ सी हो जाती है, बहुत खिंची खिंची हो जाती है, तो विंटर में हम अपने लिप्स का, अपनी बॉडी का, अपने पूरे फेस का, अपने बालों का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो आज मैं लाई हूँ लिप्स के लिए कुछ होम रेमेडी। आपको पता है लिप्स में जो है हमारे काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, पिगमेंटेड हो जाते हैं, उसके यहाँ पे जो है डार्क्स जो है वो पड़ जाते हैं, जो डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं, जो हमारे लिप्स है पिंक नहीं लगते नेचुरली। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छी लिपस्टिक लगाएं। और आपको फ्रेंड, आपको मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिपस्टिक है ही नहीं, ये है स्क्रब जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी जो डेड स्किन है सब निकल जाएगी और हमारी जो स्किन को ये नेचुरली पिंक करेगा। सो लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। सो फ्रेंड, ये लिप स्क्रब बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए, ये मैंने लिया है बीटरूट जूस, चुकंदर का जूस। ये मैंने चुकंदर को ग्रेट करके कद्दूकस करके उसे छान लिया था उसका जूस। और यह है ऑलिव ऑयल, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं। यह है शुगर, ये थोड़ी दरदरी पिसी हुई शुगर है। फ्रेंड हमें क्या करना है, हमें बीटरूट के जूस में मैं इसमें डालूंगी शुगर, इसमें मैं शुगर डालूंगी स्क्रब के लिए। शुगर से क्या होता है फ्रेंड, जब हमारी डेड स्किन होती है लिप्स की वो हट जाती है। मैं शुगर डाल रही हूँ इसमें, और डाल रही हूँ मैं इसमें ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ऐसे हम इसको मिक्स करेंगे कि हमें एक स्क्रब जो है मिल जाए। मैं इसमें थोड़ा सा जो है शुगर और डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा लिप स्क्रब तैयार है, देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, हमारा बढ़िया सा स्क्रब रेडी है, जो मैंने आपको बताया था चुकंदर का, ऑलिव ऑयल का। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या नॉर्मल आप देसी घी भी ले सकती हैं, जो हर घर में इजिली अवेलेबल होता है। और अब हम इसे क्या करेंगे, हम लेंगे एक, हमें लेमन स्लाइस लेनी है, और हम इसे डिप करेंगे इसमें। और हम क्या करेंगे, अच्छे से अपने जो है लिप्स की स्क्रबिंग करेंगे। उससे पहले जो आपके, आपने कुछ भी आप लिप्स पे लगा रखा है, जैसे मैंने लिप बाम लगा रखा है, मैं रिमूव कर दूंगी। रिमूव कर दें अच्छे से। देखिए फ्रेंड, मैंने लिप बाम जो है रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको इसमें मैं डिप करूंगी। और आप चाहे तो, ये लेमन ऑप्शनल है, आप चाहे तो वैसे भी कर सकती है नॉर्मल इसको इसमें करके। तो हमें इसे क्या करना है, डिप करना है अच्छे से। हम लिप की स्क्रबिंग करेंगे, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको अच्छे से यह स्क्रब कर लिया है। अब मैं इसे रिमूव कर दूंगी किसी टिश्यू पेपर से, कॉटन से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये नेचुरल लिप्स हैं मेरे, अभी मैंने जो पिंक है, आप देख सकते हैं मेरे जो लिप्स हैं, मेरे जो डेड स्किन थी यहाँ पे, मेरी पिगमेंटेड जो हो जाती है, जो हमारे जो लिप्स पिगमेंट हो जाती हैं जैसे सन से, तो आप देख सकते हैं मेरे जो लिप्स हैं वो नेचुरल पिंक हो गए। तो मुझे कुछ इसमें अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ, वैसे इट्स ऑप्शनल। आप चाहें तो इसमें, मेरी स्किन जो है लिप्स ड्राई नहीं है पर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो वो था स्क्रब में भी मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, तो मेरे जो है मॉइस्चर भी किया था हमें जो उसने ऑलिव ऑयल ने। और फ्रेंड, बीटरूट जो होता है आपको पता है नेचुरल पिगमेंट देता है हमारे लिप्स को। तो इससे पहले मैंने आपको एक बीटरूट पाउडर भी सिखाया था, वो भी बना सकते हैं। उसके मैंने आपको बहुत कुछ, उसको मैंने आपको ब्लश भी सिखाया था, और भी बहुत कुछ मैंने उससे सिखाया था। और आप देख सकते हैं मेरे लिप्स नेचुरल पिंक हो गए हैं, मैंने अभी कोई लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई है, और मैंने आपके सामने ही रिमूव किया है। तो फ्रेंड, चुकंदर तो हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, अगर आपके पास हर घर में, सर्दियों में तो आप इसका जूस पिए, आप इसका फेशियल करें, इसका फेस पैक लगाएं, मैं इसका फेस पैक भी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन वाइटनिंग होती है। और जो आपको पता है लेमन और शुगर, लेमन क्या करता है, हमारे जितने भी ब्लैक जो होते हैं, जो लिप ब्लैक होते हैं या धूप से इसको उसमें जो है वो पिगमेंट हो जाते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। और जो शुगर होती है वो भी हमारी जो नेचुरल, जो हमारी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करती है। और ऑलिव ऑयल जो है हमारी जो लिप्स को मॉइस्चर करता है। और
जो चुकंदर है उसमें क्या होता है, हमारे जो लिप्स को नेचुरली वो क्या करता है, पिंक करता है। आपने देखा, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई लिप बाम लगा रखा है, बट मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, बस मैंने वो स्क्रब किया है, देख सकते हैं। सो फ्रेंड फ्रेंड इफ यू लाइक माई लिप स्क्रब तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने मेरे अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं किसी नई होम रेमेडी के साथ, टिल देन बाय बाय। और हाँ, मैं आपको इसके बाद आपको मैं एक लिप बाम भी सिखाऊंगी, आप इस लिप स्क्रब के बाद आप वो बाम भी लगाएंगे तो आपको कोई लिपस्टिक वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिप्स जो है नेचुरली पिंक रहेंगे। और फ्रेंड आप हमेशा, चाहे आप एक लिपस्टिक लें चाहे दो लें, पर अच्छी लें, और मेक श्योर कि उसमें SPF 40 हो। अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो उसमें 40 होना चाहिए। तो क्या होता है, हम फेस का तो अपना वो कर देते हैं सनस्क्रीन लगा देते हैं, बट अपने हम लिप्स को जो है लिप्स पे नहीं लगाते, तो हमारी लिप्स भी जो है सन से डैमेज हो जाते हैं, तभी वो हमारे जो यहाँ पे जो है ब्लैक पड़ जाते हैं। सो मिलते हैं किसी नई होम रेमेडी के साथ, टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।